नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। अतिक्रमण की शिकायत पर गाजीपुर जिला प्रशासन स्थानीय बिरनो थाना क्षेत्र के बदूपुर नहर के पास अतिक्रमण हटाने पहुंचा। सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब शिकायतकर्ता खुद नहर की जमीन पर अतिक्रमण किए हुए था। प्रशासन जेसीबी लगाकर शिकायतकर्ता द्वारा बनाए गए मकान को भी ध्वस्त करा दिया। इसी बीच कई थानों की फोर्स सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद रही। मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि शिकायतकर्ता बधूपुर निवासी चंदन यादव ने जिले के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि नहर किनारे कुछ लोग अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए हैं, जिस पर सिंचाई मंत्री का भी आदेश आया और उसी शिकायत पर बुधवार को विभाग के अधिकारी जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचा। एक तरफ से 27 मीटर और एक तरफ से 29 मीटर नहर की जमीन है, जिस पर से सभी अतिक्रमण हटाए गए। इसी बीच तब अफरा तफरी मच गई जब संतोष नामक एक व्यक्ति जल समाधि लेने बीच नहर में कूद गया। उसका कहना था कि शिकायतकर्ता द्वारा नहर की जमीन पर खुद ही अतिक्रमण कर मकान बनवाया गया है। अगर शिकायतकर्ता के अवैध निर्माण को प्रशासन अतिक्रमण मुक्त नहीं करेगा तो वह यहीं जल समाधि ले लेगा। आनन फानन में लोगों ने युवक को मनाकर बाहर निकाला। मौके पर अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में जमीन को नाप कर अतिक्रमण मुक्त करा ली गई। लेकिन ये बात भी खूब चर्चा में रही कि जिसने शिकायत की वो भी गलत निकला और प्रशासन को उस पर भी जन दबाव के कारण कार्यवाही करनी पड़ी। सर, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। क्या मामला आया ये सर? क्या बोलते हैं उसको, अतिक्रमण का मामला है। जब अगर अभी आप देखे हैं कि नहर में कूद गए थे, किस बात को लेके? 27 फीट उधर से है सर, तो नहर के मध्य से भी इधर भी 27 फीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आखिर क्या कारण हुआ है कि आप जल समाधि लेने चले हैं? मेरी बात जो है तहसीलदार साहब नहीं मान रहे कि नहीं, मैं यही 27 मानूंगा। ये कैसे हो सकता है? यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी तो 27 नहर के मध्य से होना चाहिए ना। पूरी कार्रवाई मेरा प्रशासन पूरी एक तरफ की कार्रवाई कर रही है। क्या बोले हैं? किसी के दबाव में हम नहीं करवाएंगे। एक तरफ 27 फीट या 27 मीटर या 27 फीट जो हमने नाप दिया है, नाप दिया है। बता दें और देख रहे हैं कि आज अतिक्रमण गिराया जा रहा, क्या है पूरा मामला? मैं सहायक अभियंता उपेंद्र प्रसाद, यहाँ पे IGRS में और माननीय सिंचाई मंत्री जी के यहाँ से बार बार बात कर रहे थे कि हटाने के लिए अतिक्रमण को, इसी उसमें आज प्रशासन मिला है और पुलिस बल भी मिली है, वो एक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। क्या था शिकायत में, क्या थी शिकायतकर्ता? क्या यहाँ पे मैं 8 लोग थे अतिक्रमण किए हुए हैं, सभी लोग आपस में ही एक दूसरे का उपकर रहे थे। माननीय सिंचाई मंत्री के यहाँ से भी बार बार फोन आ रहा था इसको हटाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।